लस और मस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग लिख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, साथ ही साथ दोनों काम हो जाए। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। चौबीस, अड़तालीस और छत्तीस का सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा। सार गुणनखंड होगा ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हम जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं वैसे आपको लिखना है। एक तो डब्बा बनाएंगे, डब्बा माने कोष्टक कहते हैं इसे, अंग्रेजी में कोष्टक कहते हैं ना, ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, फिर इसमें इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लोगों ने लिखा था ना 15, 45, 75 का सबसे छोटा, उसके पहले सबसे बड़ा बोले है ना, सबसे छोटा सार्वगुणज कोष्टक क्लोज, ठीक, भागे 25, इस तरह का सीटेट में प्रश्न आया है। फर्क कितना था, इसका उत्तर 360 आया था डब्बे वाले का, और यहां था 90 और आएगा उत्तर 4, बस ऐसा ही था। लेकिन हमने क्या डिजिट बदले हैं, मेथड वही है। ठीक, क्वेश्चन लिखते रहिए और क्वेश्चन लिखते रहिए, अभी क्वेश्चन लिखते रहिए, अभी सॉल्व ना करिए केवल, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए और प्रश्न की भाषा समझ में आ जाए। सार्वगुणज क्या होता है, सार्वगुणनखंड क्या होता है, ठीक, फिर इसको हम दोनों को सॉल्व कर देंगे। अच्छा, जब सार सबसे बड़ा सार्वगुणज की बात करेगा, हम लोगों ने पढ़ी लिया है, क्या क्या होगा, एलसीएम होगा, जिसे आप गोंद वाला लसा कहते हैं, ठीक, इसी को एलसीएम कहते हैं। अब जब यही सबसे, अच्छा ये बड़ा लिखवा नहीं किया, सबसे छोटा लिखा शब्द नहीं लिखे, सबसे छोटा सार्वगुणज, और जब सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड करेंगे, जैसे यहां लिख भी लेते हैं, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो इसको क्या कहते हैं, HCF, HCF कहते हैं, अर्थात मैश कहते हैं। देखिए यही शब्द पूछा है, जितनी बार भी CTD का पेपर देखेंगे तो यही शब्द का प्रयोग करता है वो, इसी शब्द का, वो लस मत शब्द का प्रयोग नहीं करता। अरे समझ में नहीं आता इसमें करना क्या है, हो गया, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। जीरो दशमलव दो चार, 0.00, 7.5, 0.090 का लस और मैस ज्ञात करें, का लस और मैस ज्ञात करें, का लस और मैस ज्ञात करें। अठारह बटे 7, 15/9, 15/14,
54:21 का मैश ज्ञात करें, का लस ज्ञात करें, का लस और मैस दोनों ज्ञात कीजिए, का लस और मैस और मैस ज्ञात करें। बस वही लस पूछे अंशों का लस हरों का मैस, मैस पूछे अंशों का मैस हरों का लस। अगर इसका लस निकालना है, लस निकालने के बाद जो सबसे कम अंक का दशमलव वो लगा देंगे, मैस निकालेंगे तो सबसे ज्यादा अंक का दशमलव है वो लगा देंगे, बस बाकी सारा प्रोसेस वही है। ठीक, आगे लिखिए क्वेश्चन, अब लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं क्या? आगे क्वेश्चन लिखिएगा। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी संख्या क्या होगी जो या जिसमें जिसमें बयालीस चौरासी और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, इसका एलसीएम निकालेंगे और शेष बचने के क्या है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ देने पर, 5 जोड़ देने पर वह 120 48 और 72 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, दो संख्याओं का दो संख्याओं का मैश छह है तथा पहली संख्या 54, दूसरी संख्या 72, तो दोनों संख्याओं का लस क्या होगा? लस क्या होगा? लस क्या होगा? बस इतना प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और इसमें क्या करना है, बहुत इजी ये भी है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लिख लीजिए, उसी के साथ साथ बस खत्म हो जाए। लिखिए, शायद क्वेश्चन लिखा ही था, आप लोगों ने फिर लिख लीजिएगा। 15, 45 और 75 का सबसे छोटा, का सबसे छोटा सार गुणज, ये तो भी कुछ देर पहले लिखवाए थे, सार्व गुणज इसको कोष्टक में पैक करिए
डिवाइड का चिन्ह लगाइए, अगले कोष्टक में लिखिए, अगले कोष्टक में लिखिए। सेम संख्या 15, 45, 75 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कोष्टक क्लोज होगा। डिजिट कुछ भी हो सकता है। यह सारे प्रश्न ऐसे थे जो आपके यूपीटीटी सीटीटी में अधिकतम बार पूछे गए हैं। एक तरह का प्रश्न बनता है और इसमें, और वह भी हम लोग पढ़ा देंगे। उसी के साथ साथ यह अध्याय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सारे क्वेश्चन लग जाएंगे ना, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं हिंट भी देते चल रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगी, पीछे आप लोग पेज पलट लीजिएगा, आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा पीछे पीछे वाले, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए आप सब लोग लगे रहिएगा और इसे तारगले। एक चीज़ और पढ़ा देंगे, अध्याय भी कल खत्म हो जाएगा। कल भाई बताना है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, उसमें कैसे निकालते हैं। सेम प्रोसेस, सेम मेथड यही है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे हम लोग तो आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए।